हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मेरी तरह आप सब लोग अच्छे ही होंगे। एक मिनट दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के जवाब देने वाला हूं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई डांस का वीडियो है क्या है, तो मेरे चैनल पर पहली बार ये कैसा वीडियो आ रहा है, तो मैं आप लोग को इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल से आइडिया लगा ही लिया होगा, बट और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर अभी तक आप डांस की वीडियोज़ देखते थे, जैसे कि पीछे स्क्रीन्स पे भी आ रहा होगा, तो आप लोग सोच रहे हैं कि क्या है ये, मैं पूरा बताऊंगा वापस डिटेल में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मैं जस्ट अभी सो करके उठा हूँ, तो एक लेज़ी वाला फील आ रहा है, तो एनर्जी नहीं आ रही बिल्कुल बॉडी में। तो रेडी होते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। 2000 years later. तो फाइनली गाइस, टाइम आ गया है इन बातों पे से पर्दा उठाने का और अपने फेस से भी। तो पहले मास्क निकालते हैं। बहुत डिफिकल्ट है मास्क लगा के वीडियो बनाना, बोलना। तो गाइस, रीज़न था मेरा मास्क लगाने का भी। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि COVID-19 चल रहा है और हर जगह लॉकडाउन है, तो कुछ भी, कोई शॉप या कोई सैलून या कुछ भी ओपन नहीं है। सब लोग को सेफ्टी के लिए अपने घर पे ही रहना है, अपने घर पे लॉक होकर के रहना है, तो हमारी सेफ्टी है। तो इसलिए सैलून वगैरह सब कुछ क्लोज है, तो मैं कहीं गया भी नहीं, अपने घर पे ही रहता हूँ। तो गाइस, आप देख रहे हो मेरी बियर्ड, लग रहा हूँ ना एकदम मैं हरियाणा का जाट। तो है मजाक था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी बियर्ड वाला लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अभी टाइम आ गया हेयर स्टाइल चेंज करने का, बिकॉज़ मेरा क्या रहता है कि मैं हर जब भी मैं हेयर कट कराता हूँ, हर मंथ कराता हूँ या डेढ़ महीने में कराता हूँ, तो मैं अपने आप को एक नया लुक देता हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सर्कल में सब लोगों को बहुत ही पसंद आता है और कहते हैं कि भाई आपने कहाँ से कराया, सर आपने कहाँ से कराया ये हेयर स्टाइल। तो गाइस, इस समय टाइम है कि मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बताऊं जो मैं करता हूं और मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं कहां से सेल कराता हूं, मैं क्या चीज़ें करता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने ही चैनल पर एक व्लॉग बनाया जाए और व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। अभी डांस की वीडियो बनाते थे और अभी ये सब चीज़ें, डांस की वीडियो भी बनाएंगे और हम प्लस पे व्लॉगिंग भी करेंगे। तो आप देख रहे हो कि जैसे कि मेरे बाल ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं, परेशान करें। एक मिनट, तो आजकल क्या है, ये बहुत काम का है, ये आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने इसको बस ऐसे करके जाने का और ऊपर लगा देने का, बस ये सब लॉक हो गया। तो आजकल मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये लेकिन आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत है और बहुत ही ज़्यादा बियर्ड में, बहुत ही ज़्यादा लंबे बालों में प्रॉब्लम होती है। तो सोचा कि अब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब कुछ ओपन कर दिया है और एक बहुत लंबा टाइम भी हो गया है, तो बैक टू नॉर्मल लाइफ सब लोग आ गए हैं धीरे धीरे। हालांकि अभी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग धीरे धीरे अपने बैक टू जॉब, अपने सब लोग आ गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब जाते हैं, नया वीडियो लेकर के आते हैं, जो कि मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि इस चीज़ पर मैं व्लॉग करूँगा, बट फाइनली वो टाइम आ गया है और चलते हैं सीधा। मैं आपको मिलता हूँ सैलून पे, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.
सो फाइनली गाइज मेरा शूट कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल, मैंने शेव एंड हेयर स्टाइल मेरा देख सकते हैं आप, मैंने चेंज कर दिया है पूरा और एक कुछ नया ट्राई किया है। अभी तक मेरे हेयर वर्जिन थे पूरे, बट मैंने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट कर दें अपने व्लॉग में, और पहला व्लॉग है तो कुछ हेयर स्टाइल के साथ मैंने कुछ कलर भी ऐड्स किए हैं। तो मैंने ये ग्रीन शेड कलर या ब्लू नहीं ग्रीन शेड कलर है पूरा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर एक 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 हेयर अच्छे से पूरा कलर हो गया, मेरा लुक एकदम डिफरेंट हो गया। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था मेरा बियर्ड लुक, और ये बिल्कुल क्लीन शेव, सिर्फ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चिन पे रखा है। एंड मेरा हेयर कट हो गया है पूरा 3 महीने के बाद लॉकडाउन में, पूरा मैंने अपनी बियर्ड अपने बालों को बहुत बढ़ाया हुआ था। तो आपको कौन सा मेरा लुक अच्छा लग रहा था, बियर्ड वाला मैं कैसा लग रहा था मैं, और इस वाला आफ्टर कट मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अगर आपको मेरा हेयर कलर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और मेरी अगर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं अपने हेयर ड्रेसर का भी आईडी मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डाल दूँगा, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे अमेजिंग पिक्चर्स वहाँ पर हैं, हेयर कलर्स एंड स्मूदनिंग स्ट्रेटिंग, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए मैं बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग ऐसे ब्लॉग्स लेके आने वाला हूँ, और आप देखेंगे अभी नए नए कलर्स को, और अभी अपने ऊपर बहुत जितने भी मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जितने भी मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ अपने हेयर के लिए या किसी चीज़ के लिए फेस के लिए, मैं आपको सब इस वीडियो इन इसी चैनल पे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चाहिए और सब्सक्राइब कर देना गाइस, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। और बस एक ही छोटी सी चीज़ चाहिए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।